नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। पंडित रमा गोविंद स्मृति विद्यालय रायपुर फरसुलियान में अमर शहीद नायक दीपक सिंह की स्मृति में हुआ भव्य कार्यक्रम। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले में पंडित रमा गोविंद स्मृति विद्यालय रायपुर फरसुलियान में अमर शहीद नायक दीपक सिंह की स्मृति में भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जहाँ नायक दीपक सिंह को सबसे पहले पुष्पांजलि के माध्यम से याद किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में गजराज सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी लाल बहादुर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कवियों ने अपने औजवाड़ी के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया, तो वहीं विद्यालय के छात्रों ने शहीद दीपक सिंह के याद में अभिनय किया। अभिनय समाप्त होते होते लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने आए हुए सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिस दौरान गजराज सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी लाल बहादुर सिंह, डी एन शर्मा, सुधीर अग्निहोत्री, पंकज शर्मा, जिला पंचायत सदस्य विष्णु साकेत, नीरू सिंह, वरिष्ठ कवि ब्रजेश सरल कवि निर्मोही सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। किसी जवान की लंबाई 1 इंच कम हो तो आप उसे लेते नहीं हो, तो वो माँ विद्यालय के प्रांगण में हमारे देश के नायक दीपक सिंह जी के स्मृति में यहाँ पर मौजूद रिटायर्ड सेना से और दीपक सिंह के बलिदान को, जो देश के लिए उन्होंने बलिदान किया, उनके वीरता धीरता को मैं सलाम करता हूँ। बैठे बैठे मैं सोच रहा था, आज का ऐसा माहौल रहा कि सबको खुद गमगीन रहे, सही मौके के उन्होंने और अपने बाग के अतुलता से कविता के माध्यम से जबरदस्त प्रहार किया। इसी तरह चौहान साहब ऐसी जी से बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कहने के लिए हैं, लेकिन भाव आज कुछ उसी तरह से बदल गया। सबके मानस पटल में दिखाई पड़ता है। जरा विचार करिए, अभी तमाम स्कूल के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने, बालिकाओं ने गीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से तमाम सारी चीजें प्रस्तुत की, जो राष्ट्र देशभक्त से ओत। अभी भाई लक्ष्मण जी ने बड़े विस्तार